आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। दोस्तों, इस चैनल का मकसद आपको डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना, उनके एनुअल रिपोर्ट का जो क्रक्स है। कभी कई बार आपने देखा होगा कि एनुअल रिपोर्ट्स हर एक स्टॉक की कम से कम 100-200 पेजेस की रहती है। तो हम उन एनुअल रिपोर्ट की जो एक्चुअल समरी है, उनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो सब चीज़ें इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे और रोज़ एक नया स्टॉक लेके हम आपके सामने आएंगे और आपको एक फेयर पॉइंट ऑफ व्यू देंगे उस स्टॉक के बारे में, उस सेक्टर के बारे में, ताकि आप एक जज कर सकें कि आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। दोस्तों, मल्टीबैगर क्या होता है? मल्टीबैगर वो कंपनीज होती हैं जो कि जिनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है, जो कि आपको कम प्राइस पे या एक फेयर प्राइस पे अवेलेबल है। दोस्तों, कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ कम प्राइस पे नहीं मिलती है। अगर वो फेयर प्राइस पे है और उसके बिजनेस में पोटेंशियल है कि वो आगे एक्सेलरेट कर सकते हैं उस बिजनेस में, तो आपको फेयर प्राइस पे भी मिलेगा, तो भी आपके लिए वो मल्टीबैगर साबित हो सकता है। जैसे कि बजाज फाइनेंस, आपने देखा है पिछले 7-8 साल में मल्टीबैगर साबित हुआ है। तो वैसे ही एक कंपनी हम लेके आए हैं, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NCC। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1978 से। सो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही पुरानी, 30-40 ईयर्स पुरानी कंपनी है। इसने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की ग्रोथ को देखा है इस कंपनी ने, और उसके साथ साथ सर्वाइव किए है। तो इसलिए मैं इस कंपनी को चूज़ किया, क्योंकि ये कोई नई कंपनी नहीं है जो कि आप सोचें कि इस कोरोना वायरस के टाइम में, इस पीरियड में, इस ग्रेट रिसेशन में जो कि अभी तब्दील होते जा रहा है, जिसमें मार्केट 40% तक डाउन हो चुके हैं, तो उस रिसेशन में ये सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस पे कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये इसने इस तरह के रिसेशंस देखे हैं, इसने 2008 की मंदी भी देखी है और अभी भी हमें लगता है कि ये सर्वाइव करेगी। देखते हैं, आगे जानते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा और। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है कंस्ट्रक्शन फील्ड में इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू, और इसका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो बहुत ही डाइवर्स है, जो कि एक बहुत ही खास बात होती है कंपनीज में, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी एक्सेलरेट कर सके और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जनरेट कर सके रिवेन्यू। देखिए, आप इनके फील्ड देख सकते हैं, बिल्डिंग, हाउसिंग, इलेक्ट्रिकल, पावर, वाटर, एनवायरनमेंट, रेलवेज, रोड, इन तमाम फील्ड्स में ये कंस्ट्रक्शन काम करती है। तो नेक्स्ट अभी जानते हैं। अभी ये मैंने आपके सामने इसका 1 साल का चार्ट लगाया है, आप देख सकते हैं 1 साल के चार्ट में इसका हाईएस्ट जो था वो 120 रुपीज़ पे ये गया था, जो कि अराउंड मई 2019 में इसका प्राइस 120 के अराउंड गया था। एंड नाउ अभी देखिए आप, ये 20 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये कम से कम 80% वहाँ से करेक्ट हो चुका है अपने हाईस से। देखिए, इसका मेजर रीज़न जो था वो आंध्र प्रदेश में इनके जो ऑर्डर्स थे, उनमें जो उनके ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए थे आंध्र प्रदेश में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद, उसकी वजह से उसका प्राइस में ड्रॉप हुआ। और भी हम देखते हैं कि और भी क्या रीज़न थे जिससे कि इसका प्राइस ड्रॉप हुआ, आगे देखते हैं। देखिए, उनकी एनुअल रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे FY19 की, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट की पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, इनका टर्नओवर FY18 में 7,675 करोड़ था, FY19 में 12,198 करोड़ हो गया है। तो आप देख सकते हैं, एक सिग्निफिकेंट जंप है, अराउंड 20% का जंप है इनके टर्नओवर में। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी आपका टैक्स कट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बनता है उसको अगर हम देखें, तो FY18 में 287 था, जबकि FY19 में 564 करोड़ है। तो ये ऑलमोस्ट 40% तक इसका जंप हुआ है। अभी हम देखेंगे ऑर्डर बुक, FY18 में ये थी 32,532 करोड़ की, FY19 में 41,197 करोड़ की।
तो ऑर्डर बुक भी एक सिग्निफिकेंट पोटेंशियल दिखाता है कि उस कंपनी के पास फ्यूचर के लिए कितने ऑर्डर्स हैं, कितने ऑर्डर्स उनने बैक किए हैं, कितने उनने ऑर्डर साइन किए हैं, क्या क्या उनके आगे के फ्यूचर में वो कितना रिवेन्यू उससे कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सब उनकी ऑर्डर बुक से पता चलता है। और इतनी स्ट्रांग ऑर्डर बुक होने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर जब भी कोरोना वायरस का और इस रिसेशन का जब भी अंत होगा, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। और आप तो देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है और कितना पोटेंशियल है इस फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। सो एनसीसी के फ्यूचर में मुझे इस सब को देखते हुए कोई डाउट नहीं लगता है, अगर ये कंपनी अच्छे से वेल मैनेज्ड रहे तो ये कंपनी बहुत एक्सेलरेट करेगी आगे जाके, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत ज़्यादा डेवलप होना बाकी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए मेन रीज़न है जिसके कारण इसकी इतनी पिटाई भी इस स्टॉक की इस रिसेशन के टाइम पे, क्योंकि इस कंपनी पे कर्ज जीरो नहीं है, इसलिए ऑलमोस्ट जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन वन होना चाहिए, वो ये सेटिस्फाई करती है। बट स्टिल ऐसा था है कि ये बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी नहीं है, इसलिए भी इसकी एक रीज़न है कि इसकी पिटाई भी इस स्टॉक की इतनी। देख सकते हैं आप FY18 में 0.31% एंड नाउ FY19 में 0.42, इट्स नॉट परसेंट, इट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको बताता है कि एक पर इक्विटी शेयर के प्राइस पे उनके पास कितना कर्जा है, कितना डेब्ट है। तो इसका रेशियो आपका वन से कम होना चाहिए, डेट शोज कि आपका जो इक्विटी की प्राइस है उससे कम उन पे डेब्ट है, राइट। तो वन ऑफ द रीजंस कि इनका डेब्ट इतना हाई हुआ है, थोड़ा बड़ा है, क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मोस्टली काम करती है। गवर्नमेंट जब इनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, डिफरेंट टेंडर्स ओपन होते हैं, तो क्या होता है कि पेमेंट इतना इतना स्मूथली, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट में पेमेंट इतना स्मूथली नहीं होता है, तो आप लोग इनको जो है पेमेंट मिलने में भी देरी होती है, तो इस कारण उस फाइनेंशियल ईयर में दे आर नॉट एबल टू गेट दैट पेमेंट एंड दे आर नॉट एबल टू फिक्स देयर डेब्ट। आगे चलते हैं, देखिए EPS अर्निंग पर शेयर कितना इनकी अर्निंग हो रही है, जितना भी इनका प्रॉफिट है और जो उसकी अर्निंग हो रही है, रिवेन्यू हो रहा है, वो पर शेयर कितना बैठ रहा है। तो FY18 में था वो 5.09 और FY19 में आप देख सकते हैं 9.39, ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इसलिए FY19 में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। डिविडेंड देख सकते हैं आप FY18 में 50% का और FY19 में 75% का। ये जो 75% होता है ये एक्चुअल में इनका फेस वैल्यू जो होती है शेयर की उसके टर्म्स में होता है कि आपका फेस वैल्यू का कितना परसेंट वो पर शेयर डिविडेंड अलॉट कर रहे हैं। डिविडेंड मींस कि आप अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इक्विटी रिटेल शेयर होल्डर्स को आप जो है कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए एक मेजर जो भी कंसर्न था कि जिसके कारण इस स्टॉक की पिटाई हुई, वो था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 18% है, और अभी आप आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट उसमें देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि उस प्रमोटर की होल्डिंग्स 18% होने के बावजूद भी उसमें एक रीजनेबल पोर्शन जो है प्लेज शेयर है, राइट। तो अभी देख सकते हैं आप DIS की इसमें खरीदारी है 24% की, FIS की ऑलमोस्ट 18% की खरीदारी है, पब्लिक की 40% की खरीदारी है। तो आप अगर देखेंगे तो एक DIS एंड FIS मिलके एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड प्रोवाइड करते हैं इनको, इस कंपनी को। DIS 24, 18, 18, 36 एंड 24, 60% अराउंड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है इस कंपनी को। और इसके मैनेजमेंट पे हमें कोई भी शक नहीं है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है इनका, काफ़ी वेल प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ ये कंपनी चलती है। आगे हम देखेंगे कि जो प्रमोटर्स की प्लेज थी वो देखिए आप धीरे धीरे रिड्यूस हुई है। दिसंबर 2018 में क्वार्टर वाइज क्वार्टर अगर हम देखें इसको, दिसंबर 2018 में ये 42% उन्होंने अपने शेयर जो 18% में से 42% शेयर दे हैव प्लेज्ड,
देखिए क्या होता है, कंपनी में कभी कभी प्रमोटर्स जो होते हैं उनको पैसे की जब आवश्यकता होती है, शायद चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो कंपनी के लिए हो, दे अपने जो अपना इक्विटी शेयर है उसको एक मॉर्टगेज रख के दे गेट सम मनी, वो कुछ पैसे उधार उठाते हैं अपने शेयर को गिरवी रख के, तो उन शेयर को धीरे धीरे करके छुड़ाते रहते हैं। तो देखिए इन्होंने भी वही किया, दिसंबर 2018 में 42% थी, आप देखिए जून में 41 हुई, सितंबर 2019 में 36 हुई, और अभी भी 36% पे इनकी प्लेज होल्डिंग है। और मैनेजमेंट ने डिफरेंट 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 टाइम से ये मेंशन भी किया है कि दे विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर डेब्ट एंड देयर ऑल्सो देयर प्लेज होल्डिंग। सो इस तरह से हम देख सकते हैं इस कंपनी का फ्यूचर और इस सेक्टर का फ्यूचर। जैसे मैंने कहा कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कोई बड़ी कोई नई कंपनी नहीं है, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवेन्यू ग्रॉस करती है, और इस सेक्टर का पोटेंशियल में आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर पोर्शन जो होगा जो कि इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा। तो इसी के साथ मैं टुडेज वीडियोस को यहीं पे एक समाप्त करना चाहूँगा, और आप मुझे ज़रूर कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, और आपको कैसा लगा एनसीसी के बारे में एक फेयर रिव्यू जान के, और भी जो स्टॉक्स आपको जानने हैं जिनके बारे में एक फेयर रिव्यू आप चाहते हैं, कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।